क्या हाल है? बस आज तो सुबह मैंने कुछ दिखाया ही नहीं तुम्हें, क्योंकि मौसम ही इतना ख़राब है, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, गर्मी भी हो रही है और ना ही हवा चल रही है। वो देखो पीछे हनुमान जी वाला झंडा है ना, वो भी ऐसे शांति बैठा है आज तो। मतलब कुछ दिखाने वाला था ही नहीं सुबह, तो क्या दिखाता। तो बस थोड़े बहुत शॉर्ट रिकॉर्ड कर लिए जो किया दिन में, बाकी आज का भी पता तो कुछ नहीं है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अपना प्रोग्राम ऐसे ही बन जाता है कभी भी, बस कि इधर जाना है उधर जाना है नहीं जाना, क्या करना क्या नहीं करना। तो देखते हैं दिन में क्या करेंगे आज। यार ये मोटर वाली पाइप बड़ी सही है, एकदम ठंडी ठंडी। ओहो मज़ेदार। तो भाई 12:15 रह गए हैं दोपहर के, और मौसम तो आज बहुत ही डेडली है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। हवा भी नहीं चल रही है, गर्मी भी दबा के है, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है। अब मानसून है तो हो गई ना, पर आज बोर भी बहुत हो रहे हैं, मतलब कुछ है ही नहीं करने को। बस अब वीडियो एडिट करने बैठूंगा, और शाम को कुछ हो जाए तो हो जाए, बाकी तो पता नहीं कुछ होगा आज की नहीं, क्योंकि बड़ा ही बोरिंग दिन जा रहा है आज, पता नहीं क्यों। क्या जमाना आ गया, कितनी बार भी देखो कैसी करती हमने, इतनी छोटी सी करती तो इससे बड़ी तो होती भी नहीं थी। नहीं इससे बड़ी होती थी, लगभग दुगना साइज होता था इसका। इन्हें भी मार दूंगे मेरे, और मारनी पड़ेगी आज। किसमी बार वालों को भी मिल जाएगा, किसमी बार किसकी है पार्ले की, तो पार्ले वालों को मिल जाएगा। टॉफी पूरी नहीं दे रहे हैं पैसे पूरे लेके, गलत बात है। जय हो हनुमान जी की। झंडा काफ़ी तेज़ उड़ रहा है, जो कि अच्छी बात है, शायद बारिश आ जाए। प्रोग्राम बनने वाला था बर्फ़ी का, पर यहाँ से मैं बर्फ़ी लेके आता हूँ ना, वहाँ पे दूध की किल्लत हो रही है अंकल को, तो अगले महीने का उन्होंने, तब तक किसी से काम चलाते हैं। 2 रुपये में बड़ा मस्त मीठा है भाई, इसमें खा के देखना। नाम है पार्ले किसमी बार, किसमी बार। यार आज का दिन तो इतना बोरिंग जा रहा है, इतना बोरिंग जा रहा है ना, मतलब समोसे लेने जा रहा हूँ उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा आज ज़बरदस्ती। मतलब समोसे खरीदना आज मेन इवेंट हो गया, पहले तो मेन इवेंट कुछ और होता था, समोसा सब इवेंट होता था। मतलब घूमते घूमते ये भी कर लेंगे, वो भी ले आएंगे, ये भी खा लेंगे, पर आज तो सौरा समोसे लेना ही मेन इवेंट बन गया। मतलब इतना बोरिंग दिन जा रहा है आज। भाई 2 समोसे दे दे बिना चटनी के, बिना चटनी के। ये रे भाई 2 समोसे। मैं तो तला खाऊं ना खाऊं एक ही बराबर है, पिंपल ने तो फिर भी आना है, पर फिर भी मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, शायद रुक जाए। ये चेहरे की हालत दिख रही है, कुछ ना खा के भी इतना बुरा हाल है चेहरे का, तो खाएंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। यार क्यों आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना तो कंट्रोल कर रहा हूँ मैं, रुकते ही नहीं है, हद हो गया यार, परेशान हो गया मैं इनसे। निकल गया हूँ फिर से घर से, ऐसे ही घूमने फिरने, लोकेशन अपने पास वही 2-4 ही हैं, पर देखो शायद कुछ नया देखने को मिल जाए। क्या घास ही मिलेगी देखने को, और तो क्या ही मिलेगा नया। अभी पार्क की जाते और मेरा मन कर रहा था कि 2 हल्दीराम वाले चिप्स के पैकेट उठा लूँ, 20-20 वाले, क्योंकि बर्बाद होए तो अच्छे से होए ना। मतलब थोड़ा वाला काम तो मैं करता ही नहीं, कि थोड़ा खा लेता हूँ फिर थोड़ा ही असर होगा, उसमें मज़ा नहीं आता। मतलब बर्बाद होना तो अच्छे से ही हो यार, खाना है तो बढ़िया से खा लो, ऐसे नहीं कि पुचर पुचर करके खा रहे हैं। पर फिर भी संभाला मैंने अपने आप को, नहीं लिया ना ही खाए, सीधा बस घूमने आ गया। पता है यार वैसे ना, छोटी छोटी चीज़ों पर कंट्रोल करने से ना एक मेजॉरिटी कंट्रोल ले लेते हैं हम अपने ऊपर। मतलब छोटी छोटी चीज़ों पर कंट्रोल लेने से मोटिवेशन मिलता है। और इसको क्या हो रहा है हमारी तरफ, क्यों आ रहा है, आ रहा है क्या, आ रहा है, नहीं आ रहा, रुक गया रुक गया, कैमरा शाय है ये भी लिखता, चला गया आराम से। तो मैं ये कह रहा था कि छोटी छोटी चीज़ों पे, क्या जी, अच्छा सुनाई नहीं दिया। तो मैं ये कह रहा था छोटी छोटी चीज़ों पर कंट्रोल लेने से ना एक अचीवमेंट की सेंस आती है अपने अंदर, कि हाँ मैंने अपने आप को उस चीज़ को करने से रोक लिया। फिर वो छोटी छोटी चीज़ें ऐड होती जाती हैं, तो मेजॉरिटी हम चीज़ें अपनी रोक पाते हैं, तो मतलब एक अच्छा साइन है इम्प्रूवमेंट का, तो करते रहना चाहिए, मैं बस ये कहना चाहता था। और ये हमारे अंकल जी भी आ गए। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते, क्या हाल है, आपको भी रिकॉर्ड कर लूँ मैं साथ साथ। हाँ बल्ले बल्ले, बस शाम को। हाँ जी, किसको बता रहे हो? बस वैसे ही जो देखता है। अच्छा अच्छा, और अभी कहाँ जा रहे हो? अभी इसको। अच्छा, सुबह और शाम दोनों है इसका टाइम है? सुबह शाम नहीं है इसका, तीन टाइम। तीन टाइम? और दोपहर को भी? दोपहर को भी है। सही है,
चलो अभी इसको 2:30 बजे घुमा के लाया था। अच्छा अब फिर रोला पा रहे हैं, मैंने कहा कभी अंदर ही ना कर देने का। ये भी है नहीं आया तो इसका टाइम 7:30 होने आज का है। अच्छा चलो ठीक है अंकल जी, मिलता हूँ कल सुबह। हाँ जी हाँ जी, आपको भेजूंगा, लिंक भेज दूंगा। भाई ये वाले जो अपने अंकल जी हैं ना, बड़ी मस्त हैं, कोई शाइनेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस तुम ऐसे होने चाहिए हो कि हाँ बात कर सकते हो, बात इन द सेंस कि मतलब बस इंटरेक्ट कर सकते हो कि हाँ हम कोई भी बात कर सकते हैं। अंकल ये नहीं देखते कि मेरे से बहुत छोटा है या मैं बहुत बड़ा हूँ, मतलब एक डिफरेंस होता है, वो रखते भी हैं चीज़ों में, पर लेकिन ऐसे भी नहीं कि जैसे सभी रखते हैं ना बुढ़े की अपना अलग ही घूम रहे हैं, बच्चों के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, अगर पार्क में कुछ कर भी रहे हैं नहीं कर भी रहे हैं। अंकल का हर किसी बंदे के साथ इन्वॉल्वमेंट है, मैं कल तुम्हें सुबह दिखाऊंगा कैसे इन्वॉल्वमेंट होता है अंकल का। ऐसा होना चाहिए हर रास्ता एकदम क्लीन, मतलब मज़ा आ रहा है यार चला के, रोड भी प्लेन है, मस्त है, साफ है, कैनोपी तो है ही पर मतलब साफ बहुत ज़्यादा, तो मज़ा आ रहा है चलाने में, जब अच्छा लग रहा है। और ये रहा सेक्टर का लेफ्ट, क्योंकि पापा हर रोज़ मेरी वीडियो देखते हैं तो फिर गालियाँ पड़ेंगी कि तू इस वाली रोड पे क्यों गया, अगर लंबा गया था फिर तो पक्की पड़ती है, तो चलो एक छोटा सा ही स्ट्रेच था तो आ गए। घूम फिर के पार्क ही आया हूँ वापस, और कोई जगह ही नहीं है यार जाने को, कहाँ जाऊँगा, और इससे कोई पीसफुल प्लेस है भी नहीं यहाँ पे। मानता हूँ एक ही जगह है तुम्हारे लिए, पर जो रोज़ आता है उसे पता है यहाँ की वाइब क्या है, तो तुम्हारे घर के पास भी कुछ ऐसा हो तो सर्च करो, विज़िट किया करो, मज़ा आएगा। पर एरिया पे भी डिपेंड करता है ना कि कितना ट्रैफिक आता है यहाँ पे, यहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं आता तो सही है, मतलब अच्छा लगता आके। तो भाई अपने ने 10-12 चक्कर लगा लिए हैं, नहीं 10-12 तो लगाए, 7-8 चक्कर लगा लिए हैं, और बैक बिल्कुल ठीक महसूस कर रही है, कोई थकावट नहीं हुई ना ही कोई खिंच महसूस हुई, तो मतलब ठीक हो गई है। तो कल से स्टार्ट करेंगे वर्कआउट इसी जगह पर आके, क्योंकि दूसरे ग्राउंड में तो घास बहुत ज़्यादा है, ना भागने की जगह है ना ही ये बार्स वगैरह हैं, तो वर्कआउट करने में मुश्किल होगा, पर बैक अच्छा महसूस कर रही है और मैं भी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तो कल से वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। और ये वीडियो आज यहीं पर ख़त्म करता हूँ मैं, मानता हूँ आज का दिन बड़ा बोरिंग रहा होगा, मुझे तो बहुत बोरिंग लगा, पर अगर तुम्हें आज के दिन में से कुछ सही लगा हो तो सब्सक्राइब करना, साथ में ऑल वाली घंटी भी दबा देना, और शेयर वगैरह भी कर दिया करो यार वीडियो। बस यही कहना था, कल मिलते हैं, ठीक है, बाय।